Good morning, students. I am Priti Sharma from Adarshbal Niketan Senior Secondary School, Jhunjuno. Your SST teacher. Today we are going to continue our eighth chapter, Human Environment Interaction: the Tropical and the Subtropical Region.

कहीं पर हम माउंटेंस देखेंगे कहीं पर रिवर्स हैं कहीं पर प्लेन्स हैं तो टोपोग्राफी जो है जो लैंड फॉर्म है उनमें अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलता है द एन्वायरमेंट प्लेज़ ए डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन कि ये जो एनवायरमेंट है ये पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट करता है क्यों क्योंकि जहाँ पर जैसा क्लाइमेट होगा जैसी टोपोग्राफी होगी उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पॉपुलेशन देखी जाती है तो पॉपुलेशन जो है वो डिपेंड करती है किस पे एनवायरमेंट पे द माउंटेन एरियाज विथ स्टीप स्लोप है इनहापिटेबल टेर कि माउंटेन एरियाज जो हैं उनमें कैसे स्लोप्स हैं स्टीप स्लोप्स स्टीप स्लोप्स मीन्स कि माउंटेन जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं इस तरीके से होते हैं हमारे माउंटेन्स तो ये जो स्लोप एरियाज हैं यहाँ पर जो है वो हाउसेस बने हुए होते हैं ठीक है यहाँ पर हाउसेस बनाए जाते हैं दे आर फॉर लेस नंबर ऑफ पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम देखी जाती है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में पॉपुलेशन जो होगी वो बहुत कम होती है द प्लान एरिया प्रोवाइड्स द मोस्ट सुटेबल लैंड फॉर ह्यूमन हैबिटेशन कि ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो माउंटेन एरिया में कम और जो प्लेन एरिया है वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है दे आर सॉइल इज फर्टाइल सॉयल फर्टाइल होगी वहाँ की एंड एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्युपेशन ऑफ द पीपल वे आर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स और जहाँ प्लेन एरिया है वहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो सबका मेन ऑक्युपेशन होता है क्योंकि फ्लैट लैंड इज अवेलेबल एंड सॉयल इज फर्टाइल फ़ॉर द एग्रीकल्चर एंड टू ग्रो क्रॉप्स द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द प्लेन इज वेरी हाई द मेन क्रॉप इज़ पैडी पॉपुलेशन जो है उसके अकॉर्डिंग प्लेन एरिया में जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ का जो मेन क्रॉप होता है वो होता है पैडी पैडी मीन्स होता है राइस राइस का कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा किया जाता है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में सिंस कल्टीवेशन ऑफ पैडी रिक्वायर सफिशेंट वाटर जैसा कि आप जानते हैं कि राइस जो होता है उसको कल्टिवेशन के लिए वाटर जो है वो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है इट इज ग्रोन इन द एरिया अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज हाई ये ऐसे एरियाज में किए जाते हैं इनका कल्टिवेशन किया जाता है जहाँ पर रेनफॉल बहुत ज्यादा हाई हो बारिश बहुत ज्यादा तेज हो वीट मेज सोरगम ग्राम मिलेट आर द अदर क्रॉप्स दैट आर ग्रोन यानी कि राइस के अलावा और कौन कौन से क्रॉप्स वहाँ ग्रो किए जाते हैं वो हैं आपके वीट मेज सोरगम ग्राम एंड मिलेट्स कैश क्रॉप्स भी यहाँ ग्रो किए जाते हैं जैसे कि शुगर कैन एंड जूट बनाना प्लांटेशन आर सीन इन सम एरियाज ऑफ द प्लेन यानी कि कुछ प्लेन एरियाज में बनानास का भी कल्टीवेशन किया जाता है इन वेस्ट बंगाल एंड आसाम टी इज ग्रोन इन प्लांटेशन वेस्ट बंगाल और आसाम में टी का प्लांटेशन किया जाता है एंड सिल्क इज प्रोड्यूस थ्रू द कल्टिवेशन ऑफ सिल्क वॉम इन पार्ट्स ऑफ बिहार एंड आसाम बिहार और आसाम के कुछ पार्ट्स में सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सिल्क वाम सिल्क वाम होते, होते हैं ना जो कोकोन्स होते हैं जिनमें से फिर कॉटन को निकाला जाता है सिल्क कोकोन्स कहलाते हैं वो तो उनसे फिर सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है इन द माउंटेन्स एंड हिल्स वे आर द स्लोप्स आर जेंटल क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन टेरिस की जहाँ पर माउंटेन और हिल्स पर जहाँ कल्टीवेशन किया जाता है क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है ऐसे एरियाज में जहाँ पर स्लोप्स होते हैं स्लोप्स मीन्स इस टाइप में तो ऐसे में टेरेस फॉर्म किए जाते हैं टेरेस मीन्स इस तरीके से स्पेस बनाया जाता है और उस माउंटेन एरियाज़ में क्या किए जाते हैं कल्टीवेशन किया जाता है ठीक है जो माउंटेन एरिया है उसको भी कल्टीवेशन के लिए काम में लिया जाता है द वेजिटेशन कवर ऑफ द एरिया वेराइज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंड कि जैसा लैंड होगा जैसी ज़मीन होगी वैसी ही खेती वहां पर की जाती है उसी के अकॉर्डिंग वैसा ही वेजिटेशन वहां ग्रो किया जाता है इन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन ट्रॉपिकल डेसीडस ट्रीज ग्रो कि गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन में ट्रॉपिकल डेसीडस ट्रीज़ ज़्यादातर होते हैं ट्रॉपिकल डेसीडस ट्रीज कौन सी होती हैं जिनको ज़्यादा बारिश की जरूरत नहीं होती हॉट क्लाइमेट में वो ग्रो कर सकते हैं और यरली साल में एक बार उनके पत्ते जो होते हैं वो ज़रूर झड़ जाते हैं इस तरीके से डेसीडस ट्रीज ग्रो किए जाते हैं उनमें जैसे कि टीक साल और पीपल के पेड़ ज़्यादातर देखे जाते हैं थिक बैम्बू ग्रोव्स आर कॉमन इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन ब्रह्मपुत्र प्लेन में बैम्बू जो है बैम्बू की लकड़ियाँ होती हैं ना बांस की लकड़ियाँ जिसे हम कहते हैं तो वो पेड़ ज़्यादातर वहाँ पाए जाते हैं द डेल्टा एरिया इज़ कवर्ड विद द मैन फॉरेस्ट डेल्टा एरिया जहाँ पर रिवर फ्लो करती है तो उसके आसपास के जो एरियाज़ है वहाँ फ्रूट्स बहुत ज़्यादा होते हैं इन पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश कॉनिफेरस ट्रीज़ लाइक पाइन देवदार फर कैन बी सीन बिकॉज द क्लाइमेट इज़ कूल एंड द स्लोप्स आर स्टिप यानी कि उत्तराखंड में सिक्किम में अरुणाचल प्रदेश में यहाँ कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं कॉनिफेरस ट्रीज कौन से होते हैं जिन पत्तों के शेप कोन वाले होते हैं कॉनिकल होते हैं नुकीले होते हैं है ना वो कॉनिफेरस ट्रीज कहलाते हैं जैसे कि पाइन देवदार और फर क्यों होते हैं कॉनिफेरस ट्रीज वहाँ पर क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है कूल होता है ठंडा होता है जिसके कारण कॉनिफेरस ट्रीज सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं देयर इज ए वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द बेसिन यहाँ पर वाइल्ड लाइफ अलग अलग तरह के बहुत सारे वाइल्ड लाइफ भी देखे जाते हैं जैसे कि एलिफेंट टाइगर डियर मंकी आर कॉमन द वन हॉर्न डायनोसरस इज फाउंड इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन कि ब्रह्मपुत्र प्लेन में कैसे राइनोसरस होते हैं वन हॉर्न एक सिंग वाले राइनोसरस ज़्यादातर देखे जाते हैं इन द डेल्टा एरिया बंगाल टाइगर क्रोकोडाइल एलिगेटर आर फाउंड यानी कि डेल्टा एरियाज में टाइगर क्रोकोडाइल और एलिगेटर्स देखे जाते हैं एक्वेटिक लाइफ अबाउंड इन द फ्रेश रिवर वाटर कि एक्वेटिक लाइफ जो पानी में रहने वाले जो जानवर हैं वो कहाँ मिलते हैं फ्रेश वाटर रिवर में द लेक्स एंड द बे बेंगाल सी यानी कि लेक्स में रिवर्स में जैसे कि बे ऑफ बेंगाल सीज में ज़्यादातर एक्वेटिक लाइफ देखी जाती है द मोस्ट पॉपुलर वेराइटीज़ ऑफ द फिश आर द रोहू फिश की जो अलग अलग वेराइटीज वहाँ होती है कौन सी होती है रोहू कटला हिलसा फिश एंड राइस इज द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल लिविंग इन द एरिया गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में वहाँ का जो वहाँ पे जो पॉपुलेशन है उन लोगों का स्टेपल फूड क्या है मीन्स उनका मेन जो डाइट है खाना है वो क्या होता है फिश एंड राइस ठीक है तो ये आपका चैप्टर नेक्स्ट पेज पर आ जाओ पेज नंबर चलो आप नीचे ये लेक ए सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इसको भी पढ़ लेते हैं विनोद इज ए फिशरमैन लिविंग इन द मतवाली मोन विलेज ऑफ बिहार कि विनोद क्या है एक फिशरमैन है कहाँ रहता था मतवाली मोन रहता था बिहार के एक गांव के अंदर जिसका नाम था मतवाली मोन ही इज ए हैप्पी मैन टूडे वो आज बहुत खुश है आज के टाइम पर सबसे खुश आदमी उसे ही बताया जाता है विद द एफर्ट ऑफ द फेलो फिशरमैन रविंद्र किशोर राजीव एंड अदर्स ही क्लीन द मौन और द ऑक्सबो लेक टू कल्टिवेट डिफरेंट वराइटीज़ ऑफ फिश कि किसकी मदद से उस फिशरमैन के और भी जो दोस्त थे साथी थे कौन कौन रविंदर किशोर राजीव और भी बहुत सारे लोग उन लोगों ने क्या किया कि जो ऑक्सबो लेक थे मौन विलेज का जो ऑक्सबो लेक है जो वहाँ झील थी उसको साफ़ किया क्यों साफ किया ताकि वहाँ पर वो अलग अलग वेराइटी ऑफ फ़िश जो है वो लाकर वहां वहाँ रख सके द लोकल वीड वेनिया हाइड्रीला दैट ग्रोज इन द लेक इज़ द फूड ऑफ़ द फिश यानी कि जो मछलियों के लिए वहाँ खाना होता था वो क्या होता था वीड जिसे कहते हैं द लैंड अराउंड द लेक इज फर्टाइल उस लेक के आसपास की जो जमीन थी वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी ही सोज क्रॉप्स बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी एंड ही सोज क्रॉप एज पैडी और कौन कौन सी फसल वहाँ लगाई जाती थी पैडी मीन्स राइस मेज और पल्सेस पल्सेस क्या होती है दालें होती हैं जो अलग अलग तरह की दालें होती हैं ना चने की मूंग की अरहर की उड़द की ये सब पल्सेस में आते हैं द बफेलो इज यूज टू प्लाउ द लैंड बफेलोज को यूज़ किया जाता था ज़मीन को करने के लिए खेती करने के लिए जैसे कहीं पर बैल को लिया जाता ना हल जोतने के लिए उसी तरीके से यहाँ बफेलोस को यूज किया जाता था द कम्युनिटी इज सेटिस्फाइड देयर इज इनफ फिश कैच फ्रॉम द रिवर जो वहाँ लोग रह रहे थे उस गांव के अंदर वो लोग भी बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें बहुत सारी मछलियाँ पकड़ने को मिल जाती थी इनफ फिश टू इट एंड इनअ फिश टू सेल इन द मार्केट इतनी मछलियाँ मिलती थी कि उनसे वो खाना खा भी लेते थे और उसके अलावा मार्केट में भी सेल कर देते थे दे हैव इवन बिगन सप्लाई टू सेल द टू द नेबरिंग टाउन यानी कि यहाँ तक कि उनके पास इतनी मछलियाँ होती थी कि वो पास के शहर में भी उन मछलियों को बेच देते थे द कम्युनिटी इज़ लिविंग इन हारमोनी विथ नेचर कॉम्युनिटी जो वहाँ रह रही थी वो काफ़ी फ्रेंडली थी नेचर से नेचर से काफ़ी जुड़ाव था उनका एज लॉन्ग एज द पॉल्यूटेंट फ्रॉम नियर बाई टाउन्स डू नॉट फाइंड देयर वे इन टू द लेक वाटर द फिश कल्टिवेशन विल नॉट बी फेस एनी थ्री कि जब तक के पास के शहर से किसी तरह का कोई पॉल्यूशन उस लेक में आकर नहीं मिलेगा तब तक वो फिश खतरे से बाहर है जैसे ही वाटर को पॉल्यूट कर दिया जाएगा कोई गंदगी उसमें डाल दी जाएगी कचरा डाल दिया जाएगा तो उससे क्या होगा पानी गंदा होगा और गंदे पानी में फिश सर्वाइव नहीं कर पाएंगी फिश कहाँ रहेंगी फ्रेश वाटर्स में, है ना तो इसीलिए जब तक उस पॉल्यूशन टाउन के जो टाउन का जो भी पॉल्यूशन है जो भी गार्बेज है उस लेक में नहीं मिलाया जाएगा तब तक वो लेक क्या है फ्रेश है और फिश जो है उन लोगों के लिए खतरे से बाहर है ठीक है फिर देखो नेक्स्ट आता है हमारा द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन हैव सेवरल बिग टाउन्स एंड सिटीज गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन यहां पर बहुत सारे सो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन हैज़ सेवरल बिग टाउन्स एंड सिटीज़ गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन में बहुत सारे अलग अलग टाउन्स और सिटीज़ हैं एंड द सिटीज ऑफ अलाहाबाद कानपुर वाराणसी लखनऊ पटना इन कोलकाता ऑल विद द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन टेन लैक्स आर लोकेट अलोंग द रिवर गंगा यानी कि गंगा रिवर के पास में टेन लैख से भी ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ देखने को मिलती है न और कौन कौन से सिटीज को कवर करता है ये अलाहाबाद कानपुर वाराणसी लखनऊ पटना एंड कोलकाता ठीक है द वेस्ट वाटर फ्रॉम दीज टाउंस एंड इंडस्ट्रीज इज डिस्चार्ज इन टू रिवर कि इन शहरों से कौन कौन से जो अभी अपन ने पढ़े सिटीज अलाहाबाद कानपुर वाराणसी लखनऊ पटना और कोलकाता इन सिटीज से जो वेस्ट होता है जो वेस्ट मटेरियल होता है उनको किस में डिस्चार्ज किया जाता है रिवर्स में एंड दिस लीड टू द पॉल्यूशन ऑफ़ द रिवर और इससे क्या होता है जो रिवर्स होते हैं उनका वाटर पॉल्यूट होता है ऑल द फोर वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट एज वेल एज डेवलप इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जो फोर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उन सबको यूज़ किया जाता है इन द प्लेन एरियाज द रोडवेज़ एंड रेलवेज़ ट्रांसपोर्ट द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर यानी कि प्लेन एरियाज़ में रोडवेज और रेलवेज़ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को यूज़ किया जाता है एंड द वॉटरवेज़ इज़ एन एफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पर्टिकुलरली अलॉन्ग द रिवर और रिवर के पास में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यूज़ किया जाता है वो होता है का वाटरवेज़ है ना रोडवेज मीन्स जैसे कि बस ट्रक कार या आपके रोड के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गए रेलवेज मीन्स रेल ट्रांसपोर्टेशन हो गया शिप हो गए बोट हो गए ये सब आपके वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है और एयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में आपका एयरप्लेन्स हेलीकॉप्टर्स वगैरह जो आते हैं कोलकाता इज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑन द रिवर हुगली हुगली रिवर पर सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट कौन सा है कोलकाता द प्लेन एरिया ऑल्सो हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ़ एयरपोर्ट्स और जो प्लेन एरिया है वहाँ पर बहुत सारे एयरपोर्ट्स भी बने हुए हैं टूरिज्म इज़ अनादर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द बेसिन यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पर टूरिज्म जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट वहाँ पर एक्टिविटी की जाती है ताजमहल ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना इन आगरा आगरा के अंदर जैसे कि ताजमहल बनाया गया है वो भी क्या है एक टूरिस्ट प्लेस है जो कि यमुना नदी के पास में आगरा में बनाया गया है ताजमहल अलाहाबाद ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर गंगा एंड यमुना इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार बुद्ध, बुद्ध की स्तूपा बनाई गई है कहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर लखनऊ विथ इट्स बार, इमाम बारा। आसाम विथ काजीरंगा एंड मान मानास विथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड अरुणाचल प्रदेश विथ अ डिस्टिंग ट्राइबल कल्चर आर सम प्लेसेज वर्थ है विजिट यानी कि यहाँ पर ये अलग अलग प्लेसेज जो बताए गए हैं डिफरेंट स्टेट्स के अंदर ये टूरिस्ट पर्पस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहलाते हैं आपका ये जो बुक में चैप्टर में जो भी डू यू नो दिया हुआ है इसको भी आपको सबको रीड करना है जैसे कि हमारे स्वच्छ भारत मिशन के बारे में दिया गया जिसको कब स्टार्ट किया गया था सेकेंड अक्टूबर टू में और रिवर गंगा को कंजर्व करने के लिए नमामि गंगा गंगा प्रोग्राम इनिशिएट किया गया मीन्स स्टार्ट किया गया इस तरीके से आपके बुक में जितने भी ग्लॉसरी डू यू नो एक्टिविटीज दी गई है इन सब को भी आपको अपने रीड करना है हर चैप्टर के आपको इसको रीड करना है ठीक है सो सी द एक्सरसाइज आउट पेज नंबर सिक्सटी थ्री पेज नंबर 63 पर देखो आप नेम द कंटिनेंट इन विच द एमेजन बेसिन इज लोकेटेड कौन से कंटिनेंट पर हमारा अमेजन बेसिन जो है वो लोकेटेड है यस साउथ अमेरिका वॉट आर द क्रॉप्स ग्रोन बाई द पीपल ऑफ़ द अमेजन बेसिन कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो करते हैं जैसे कि टैपियोका पाइन ऐप्पल स्वीट पोटैटो और कसावा कोकोआ और कॉफ़ी ठीक है ये मेन क्रॉप्स हैं जो अमेजन बेसिन में ग्रो किए जाते हैं नेम द बर्ड्स दैट यू आर लाइकली टू फाइंड इन द रेन फॉरेस्ट इन अमेजन कौन सा बर्ड है टोकन्स एंड हमिंग बर्ड ठीक है बर्ड ऑफ पैराडाइज ये सब बर्ड्स के नेम है जो कि अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं वॉट आर द मेजर सिटीज लोकेटेड ऑन द रिवर गंगा गंगा रिवर के पास में कौन कौन सी मेजर सिटीज है अभी बताया मैंने आप लोगों को यस yes, अलाहाबाद कानपुर लखनऊ वाराणसी पटना एंड कोलकाता वेयर इज द वन हॉर्न ड्राइनोसरस फाउंड वन हॉर्न ड्राइनोसरिस अभी बताया था मैंने आपको वन हॉर्न ड्राइनोसरिस जो है वो कहाँ होते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन्स पर ठीक है

बेंगाल टाइगर इज फाउंड इन बंगाल टाइगर कहाँ होते हैं डेल्टा एरिया में डेल्टा एरियाज में नाउ मैच द कॉलम कॉटन टेक्सटाइल कॉटन टेक्सटाइल कहाँ होगा वाराणसी में मलोका स्लैंटिंग रूफ थर्ड है आपका पिराना पिराना क्या है फिश सिल्क बॉम सिल्क बॉम को क्या कहते हैं हम कल्चर, और काजीरंगा कहाँ पर है आसाम में ठीक है सो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो मैं आपको सेंड कर देती हूँ जिसको आपको अपनी नोटबुक में करना है ठीक है अब आप अपना नेक्स्ट चैप्टर निकाल लीजिए चैप्टर नंबर नाइन लाइफ इन द डेजर्ट अभी तक हम लोगों ने अलग अलग रीजन्स के बारे में पढ़ा है ट्रॉपिकल रीजन्स देख लिए सब ट्रॉपिकल रीज़न्स देख लिए रिवर बैंक्स जो हैं उनके पास में किस तरीके से लोग सर्वाइव करते हैं वो सारी चीज़ें हमने देखी है अब हम देखेंगे कि जो पीपल है वो लाइफ डेज़र्ट में कैसी है डेज़र्ट एरियाज जो होती हैं वहाँ पर लाइफ कैसी होती है लोगों की उसके बारे में सिर्फ एक इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे बाकी चैप्टर जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ठीक है सो इन चैप्टर फाइव

पॉसिबल ही नहीं है नहीं है ना अगर आपको कोई बोले कि पानी नहीं मिलेगा और ऐसी जगह पर आपको काफ़ी देर तक रहना है तो कैसा लगता है हम नहीं रह सकते ना पानी के बिना सो वेयर देर इज़ नो ग्रास फॉर देयर कैटल जहाँ पीने के लिए पानी नहीं है जहाँ पर कोई हरी भरी घास नहीं है जो कि जानवर खा सके, टू फीड ऑन एंड वेयर देयर इज़ नो वाटर टू हेल्प द क्रॉप्स टू ग्रो और जहाँ पर पानी नहीं है जिससे क्रॉप्स को ग्रो किया जा सके तब कैसा फील होगा कोई सरवाइव नहीं कर सकेगा ना ना वहाँ प्लांट्स हैं ना एनिमल्स रह सकेंगे ना ह्यूमन बींग्स रह सकेंगे वी विल नाउ लर्न अबाउट द places इन द वर्ल्ड where people पीपल हैव लर्न टू with extreme एक्सट्रीम हार्स टेम्परेचर यानि कि अब हम किस के बारे में पढ़ने वाले हैं डेजर्ट एरियाज के बारे में पढ़ने वाले है. इन डेज़र्ट एरियाज के बारे में जहाँ पर लोग जो है ऐसे टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं जिसमें लोगों का रहना बहुत मुश्किल होता है इन सम प्लेसेस एज हॉट एज फायर कई ऐसी जगह भी है जहाँ पर इतनी ज्यादा गर्मी है जितनी की आग में होती है आग देखिए ना आप लोगों ने पास से तो उसमें कितना ज्यादा गर्मी होता है वैसा ही आप वहाँ के टेम्परेचर के बारे में जानेंगे एंड सम एज कोल्ड एज आइस और कई ऐसे प्लेसेज जैसे कि बर्फ जमी हुई हो ठीक है दीज आर द डेजर्ट एरिया ऑफ द वर्ल्ड वो कौन सा एरिया है डेजर्ट एरिया है ठीक है दीज आर कैरेक्टराइज बाई लो रेनफॉल जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है स्कैंटी वेजिटेशन पेड़ पौधे भी बहुत कम देखे जाते हैं एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर टेम्परेचर कैसा होता है बहुत ज़्यादा दिन के समय में बहुत ज़्यादा गर्म रात के समय में बहुत ज़्यादा ठंडा ठीक है डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर देयर कैन बी हॉट डिजर्ट और कोल्ड डिजर्ट यानी कि जैसा टेम्परेचर होगा उसी के अकॉर्डिंग डेजर्ट जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और वैसे ही होते हैं तो हॉट टेम्परेचर होगा तो हॉट डेजर्ट है कोल्ड टेम्परेचर है तो कोल्ड डेजर्ट है द पीपल इन हेबिट दिज लैंड वेयर एवर लिटिल वाटर इज अवेलेबल टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर लोगों के लिए पानी बहुत कम है तो उनके एग्रीकल्चर के लिए भी पानी नहीं है और ऐसे लेस वाटर में कैसे लोग सरवाइव करते हैं और कैसे एग्रीकल्चर का काम किया जाता है ठीक है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डेजर्ट क्या होता है डेजर्ट क्या है इट इज़ एन एरिड रीजन एरिड रीजन मीन्स एक ऐसा ड्राई एरिया ड्राई एरिया जिसे कहा जाता है तो ऐसे ड्राई एरियाज कैरेक्टराइज बाई एक्सट्रीमली हाई और लो टेम्परेचर यानी कि जहाँ पर डेजर्ट एरिया ऐसा सूखा एरिया जिसमें हमेशा क्या होता है टेम्परेचर कभी तो बहुत ज्यादा हाई होता है कभी बहुत ज्यादा कम होता है एंड स्केयर वेजिटेशन और जहां पर पेड़ पौधे भी बहुत कम देखे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं डेजर्ट कहलाते हैं ठीक है ठीके? आया समझ में आप लोगों को नेक्स्ट आता है आपका द हॉट डेजर्ट सहारा कि सबसे पहले हम सहारा डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड कंटिनेंट ऑफ अफ्रीका आपने मैप देखा था ना अफ्रीका कंटिनेंट के बारे में पीछे अपना जो चैप्टर्स थे उसमें कंटिनेंट्स के बारे में हमने देखा था तो उसमें कंटिनेंट में अफ्रीका कहाँ पर है आपको पता है ना लोकेट द सहारा डेजर्ट कवरिंग ए लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका चलो आप पहले उस मैप वाला पेज निकालो कौन से पेज पर है वो सिक्सटी नाइन फिफ्टी सिक्स नो फिफ्टी सिक्स नहीं जिस पे अफ्रीका कंटिनेंट के बारे में आपका दिया हुआ है कंटिनेंट्स जहां दिए हुए यस पेज नंबर फिफ्टी थ्री पर आपके सारे कंटिनेंट्स दिए हुए हैं इसमें लेकिन सहारा डेजर्ट को लोकेट नहीं किया गया है चलो कोई मैप मिलेगा तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि अफ्रीका जो है उसमें सहारा डेजर्ट का डायरेक्शन क्या है किसमें हाँ पेज नंबर सिक्सटी सिक्स पर देखो पीछे आपका अफ्रीका का मैप दिया हुआ है कॉन्टिनेंट का और उसमें देखो सहारा डेजर्ट जो है उसने कितना लार्ज पार्ट कवर किया हुआ है किया हुआ है ना सो सहारा डेजर्ट कवरिंग ए लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका नॉर्थ अफ्रीका लार्ज पार्ट जो है वो सहारा डेजर्ट ने कवर किया हुआ है इट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट इसको आप अंडरलाइन कर लो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है सहारा डेजर्ट इट हैज़ एन एरिया ऑफ अराउंड 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया जो है वो कितना है 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इसने कवर किया हुआ है डू यू रिकॉल दैट इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जैसे कि हम देखते हैं इंडिया हमारा कौन से कंटिनेंट में आता है एशिया में एशिया के अंदर इंडिया का कितना पार्ट कवर होता है 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ठीक है द सहारा डेजर्ट टच 11 कंट्रीज सहारा डेजर्ट से 11 कंट्रीज को टच करती है ये कौन कौन सी मैप में देखो आप पीछे अल्गेरिया इजिप्ट लीबिया माली मोरिटेनिया मोरक्को नाइगर सुदान तूनिसिया और वेस्टर्न सहारा ये सारे नाम दिए हुए हैं क्या इसमें मैप में तो ये इलेवन कंट्रीज को टच करता है सहारा डेजर्ट ठीक है वेन यू थिंक ऑफ ए डेजर्ट द पिक्चर दैट इमिडियटली कम्स टू योर माइंड इज दैट ऑफ सैंड जब आप डेजर्ट के बारे में बात करते हो या सोचते हो तब तो आपके दिमाग में क्या चीज आती है कि डेजर्ट एरिया सिर्फ चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी

फिगर नाइन पॉइंट वन चैप्टर के स्टार्टिंग पेज पर ही देखो आप दिखाई देगा आपको है ना पीछे देखो कितने बड़े बड़े रॉक्स और प्लेटूज दिखाई दे रहे हैं दीज रॉकी सर्फेसेस में बी मोर देन टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड मीटर हाई एट ये जो रॉकी सर्फेसेस है ये कितनी हाइट है इनकी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड मीटर हाई ठीक है तो आप यहाँ तक अपने चैप्टर को आप लोग रीड करिए और जो एट चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को अपनी नोटबुक में करने हैं विद क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज वगैरह सारी कंप्लीट करनी है जिसकी नोटबुक चेक नहीं है वो अपनी नोटबुक भी चेक करवाएँगे